अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन की जी। ये 438 की असाइनमेंट है जो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसको अच्छा यार, ये जो हमें कह रहा है जर्नल बनाएं, लेजर बनाएं और ट्रायल बैलेंस बनाएं, तो देखिए कैश जो है वो हमारे पास जो दिया गया है यार, ये मैं आपको बता दूं पहले, एक मिनट। अच्छा, एक तो हम फॉर क्लासेस एंड असाइनमेंट्स आप हमें रब्ता कर सकते हैं, हम प्रॉपर क्लासेस देते हैं जी इस सब्जेक्ट की, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट्स की। और असाइनमेंट का रेट है जी 250 रुपीज पर असाइनमेंट, ठीक है। तो पहले रब्ता करने से पहले आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही आप मतलब रब्ता ना करते रहे, अपना आपका वक्त बहुत कीमती है, बर्बाद मत करें। अच्छा जी, तो देखिए वो कहते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग, तो हम आप जानते हैं कि कैश को भी डेबिट कर देंगे और हम बिल्डिंग को भी क्या कर देंगे जी, डेबिट कर देंगे। इसकी अमाउंट है 25 लाख और ऊपर वाले की अमाउंट है जी 8 लाख, तो ये मिल के कितना बन जाएगा, कैपिटल कितना बन जाएगा जी हमारा, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। तो ये हमारे पास हो गया जी, क्या है 1 अप्रैल, तो यानी यहाँ पे मैं 1 अप्रैल लिख देता हूँ। ये देखें, ये मैंने 1 अप्रैल लिख दिया। अब परचेज फर्नीचर है तो एसेट बढ़ा, तो फर्नीचर डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। ये देखें, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 अप्रैल लिख देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चले नेक्स्ट, परचेज गुड फ्रॉम मिस जारा, तो हम यहाँ परचेजेस डेबिट कर देंगे और मिस जारा को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये उधार पे लिए है ना मिस जारा से, तो हम यहाँ पे जारा अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यार वो ऊपर नरेशन प्लीज लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे यही परचेज फर्नीचर, इस जगह पे लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे परचेजेस फ्रॉम जारा, ठीक है, नरेशन प्लीज लिख लीजिएगा। चले, मुझे उम्मीद है कि आप लिख लेंगे और कोई ऐसा आपके लिए मसला भी नहीं है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये असाइनमेंट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, यार कोई ऐसा मसला है ही नहीं, आप ज्वाइन कर लें और इसको प्रॉपर, यार जब भी आप अगर बीकॉम कर रहे हैं तो लर्न करके करो ना, नहीं करना तो फिर छोड़ दो। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जी, जो हमें वो नेक्स्ट कह रहा है, वो कह रहा है जी के सोल्ड गुड्स टू नईम, तो देखिए हमने सेल्स की है और उधार पे की है, तो फिर बड़ा सादा सा काम है, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी और कैश डेबिट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट को मैं क्रेडिट करने लगा हूँ टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ ऊपर लिखने लगा हूँ जी नईम अकाउंट, ये उधार पे हुई हुई है, ठीक है, नईम अकाउंट मैंने यहाँ डेबिट में लिख दिया। यार ये जरा डेट को प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है, ये रिटर्न की एंट्री क्या होगी, जारा जो है ना वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेजेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल आपने ये करना है, क्या करना है, परचेजेज रिटर्न को क्या कर देना है, परचेजेज रिटर्न को आपने क्रेडिट कर देना है। अमाउंट्स का यार प्लीज, और नरेशन प्लीज लिख लेना, डेट्स को भी यार देख लेना, डेट्स में कोई ऐसी गिदड़ सिंगी तो है ही नहीं ना, तो इसमें कौन सा ऐसा मसला है। ठीक हो गया जी, तो इसमें हमारे पास ये मामलात हैं, आपने इन मामलात को इस तरीके से करना है। ठीक हो गया, नेक्स्ट मशीनरी परचेज है, तो यार ये देखो यहाँ से ये मैं आपके सामने उठाने लगा हूँ और ये देखें ये आपके सामने लिखने लगा हूँ। अच्छा यार इस नईम की अमाउंट क्या थी, 80,000, इधर भी 80,000 और यहाँ पे क्या था 50,000 और यहाँ पे भी 50,000। तो अब ये देखिए मैंने परचेज मशीनरी की है, तो आप क्या करने वाले हैं, आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पे डेट लिखें मशीन, और यहाँ पे लिखें मशीनरी, अगर परचेज है तो मशीनरी को आप डेबिट कर दें, मशीनरी को डेबिट कर दें और कैश अकाउंट को क्या कर दें, आप क्रेडिट कर दें, और सामने इसके अमाउंट लिखते हैं कितनी बनती है जी इसकी अमाउंट, इसकी अमाउंट बनती है जी 1 लाख रुपीज, तो ये मैंने कर दी। नेक्स्ट है रिटर्न टू नईम, तो रिटर्न टू नईम की यार एंट्री सेम ये वाली एंट्री उठाएं और बस कर दें इस एंट्री को, यार इसके साथ डेट तो लिखे, तो इसकी डेट बन रही है जी हमारे पास क्या बन रही है, और फोर्थ ऑफ फोर मैंने ये 25 लिख दिया अप्रैल। ठीक हो गया जी, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, सर सिंपल सी बात है, नईम को आप डेबिट से उठा के क्रेडिट करेंगे, सेल्स को डेबिट में लिख देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डियर आपके लिए क्या हो जाएगा, नईम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, टू नईम अकाउंट हम लिख देंगे, टू नईम अकाउंट,
तो ये मैंने नेम अकाउंट किया। चले नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलिटी बिल, हमने पे किया यूटिलिटी बिल क्रेडिट और कैश। कैश क्या हो जाएगा, कैश हमारा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, यूटिलिटी बिल डेबिट हो जाएगा, कैश हमारा क्रेडिट। ये देखें नेक्स्ट में भी यार इसी तरह होना है, तो चलो मैं यहाँ पे ठहरो, यूटिलिटी बिल मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, यूटिलिटी बिल हमारा डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट आप लिख दो ना यार, इसका कौन सा मसला है यार, 40,000 लिख दें बस बस, इसी तरह हम करेंगे इसको। इंतहाई आसान मामला है, जस्ट आपने अमाउंट्स और क्वेश्चन का ख्याल रखना है। क्लासेस के लिए मैंने आपको बताया था कि क्लासेस हम रेगुलर करते हैं इसकी 7 से 8 बजे तक, 3200 रुपया उसके चार्जेस हैं। अगर आपको वो चाहिए हो क्लासेस तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यार अगर इसको करना है तो सही तरीके से करो, नहीं करना तो फिर ऐसे सब्जेक्ट रखा ही ना करो, और आप रखो जो है उर्दू रखो, मतलब इस्लामियात रखो, ऐसे सब्जेक्ट्स रख लो। तो आई होप सो कि ये आपके लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी। ये असाइनमेंट्स कुछ है, मैं बहुत सारी असाइनमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं, आप जो आपको ना मिले मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस चैनल से जुड़े रहें, पाकिस्तान अकेडमी को सब्सक्राइब।